आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रामीण अंचल में किस तरह की मड़ई भरती है, यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये जो नदी बहती हुई दिख रही है, बावन थाड़ी नदी है और बावन थाड़ी नदी नलयेर के ठीक बाजू से यहाँ बहती हुई नजर आ रही है। पर्यटक भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और ऊपर जो लाइट्स दिख रही हैं वो मंडई की लाइट आपको वहाँ दिखाई दे रही होंगी। बावन थाड़ी नदी नलियर के जो कैंप है, नलियर कैंप दरअसल वन विभाग का एक कैंप है, जहाँ पर वन विभाग के द्वारा टेंट बनाए गए हैं। उसके बिल्कुल बाजू से ये नदी बहती है और इस नदी का जल बहुत ही स्वच्छ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नलियर की मड़ई 16 नवंबर 2024 की, और ये जो आपको पानी का टांका दिख रहा है, दरअसल ये एक सिद्ध स्थान है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ 12 महीने पानी यहाँ से निकलता है। ये देखिए, यहाँ पर तैयारी हो रही है भंडारे की, प्रसाद चढ़ेगा और उसके बाद भंडारा यहाँ पर बटेगा, भंडारा चालू होगा। ये पुलाव, यहाँ पर पुलाव की तैयारियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से, देग भर भर के, पूरे डोंगे भर भर के। देखिए यहाँ पर चावल आपको दिख रहा होगा, ये पुलाव बन रहा है, पुलाव बनने की प्रक्रिया में है और गांव के लोगों के द्वारा खुद ही इसको बनाया जाता है। कहीं से कोई अलग से हलवाई नहीं बुलाए जाते हैं, वे स्वयं ही इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये बनकर तैयार है। ये ऊपर अंगार भी रखे हुए हैं, कोयला रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, पेपर से ढका हुआ पुलाव। अभी इनसे हमने आग्रह किया तो इन्होंने खोल कर हमको दिखाया, ये गर्मा गर्म पुलाव यहाँ पर भंडारे में वितरित किया जाएगा। नलियर कहाँ है ये हम अभी आगे आपको बताएंगे, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए तीसरे कड़ाहे में, तीसरे डोंगे में यहाँ पर अभी प्याज भुन रही है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला गया है। कितनी मेहनत से यहाँ पर ये सारे लोग इसे तैयार कर रहे हैं। दरअसल गोंड समाज का ये एक उत्सव है। यहाँ नलियर का कैंप हम आपको दिखा रहे हैं, नलियर में ये पर्यटक भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कई तरह के बहुत सारे यहाँ पर आपको दुकानें यहाँ दिखाई दे रही होंगी। जो दुकानें यहाँ जो सामान आपको मिलता है वो शहरों में दुकानों में शायद ही मिल पाए। विशेषकर यहाँ जो पकवान बनते हैं उसके स्वाद का तो कोई मुकाबला शायद ही होता हो। अभी ये मड़ई की तैयारियाँ हो रही हैं, यहाँ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं, कुछ देर में प्रकाश की व्यवस्था लगातार ये कर रहे हैं और धीरे धीरे लाइट्स जलना आरंभ हुई है। थोड़ा सा जल्दी हम यहाँ पहुँच गए हैं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि नलियर की मड़ई में किस तरह से पूजा होती है, गोंड समाज के लोग किस तरह पूजा करते हैं। या आप हमको ये देखिए यहाँ पूजन चल रहा है, इनसे हम पूछते हैं क्या है यहाँ पर। तो ये पाँच काय के हैं, ये पाँच कलश है सर। तो पाँच कलशों में ये सब अपन नीचे धरती हो गई, नीचे धरती हो गई, उसके अंदर पानी भी हो गया, उसके ऊपर में अगर हंगर अंगर जलेगा, फिर हवा भी इसमें है। पाँच इसमें पाँच तत्व है, इसमें तो पाँच तत्व तो ही हम पढ़े थे मान, है ना। बड़े देव के नाम से सतरंगी झंडा भी, ये बड़े देव का झंडा। और ये पूजा कब तक चलेगी? बस अभी आधा एक घंटे में हो जाएगी, फिर मंडी चालू हो जाएगी। तो ये बस ये पूजा हुआ फिर भंडारा, भंडारा के बाद फिर मंडी। कहाँ की, कहाँ की मंडी कहलाती है ये सर? ये अभी ये पूरी सीमित गांव बावन थोड़ी नलियर के नाम से ही है। नलियर के नाम से ये आपका नीचे जो स्थान है वो नलियर, जिसको पहले हमारे भाषा में नलियर ही कहते थे। नल, ये नल याने नल से पानी निकलना, ये याने गोंडी पे पानी, नलियर के नाम से। तो अब साहब उसको उसका नाम भी नलियर ही रख दिए। मंडई के बारे में इनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर पूजन पाठ आरंभ कराने के लिए यहाँ पर पंडित भी बैठे हुए हैं और
चार और एक पांच, पांच मटके रखे हुए हैं, पांच तत्वों को, पंच तत्वों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ देखिए अब धीरे धीरे लाइट्स यहाँ पर जलना आरंभ हो गई है। वन विभाग के सहयोग से यहाँ मड़ई बहुत ही सुंदर तरीके से भरती है और चांद भी आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, कितना सुंदर चांद दिखाई दे रहा है। माफ कीजिएगा, ये नलियर बावन थाड़ी के करीब, और यहाँ देखिए शहरों से आए लोग यहाँ गोंड संस्कृति के आभूषण आदि देखकर अपने आप को खरीदने से रोक नहीं पा रहे हैं, उसे देखने से रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पकवान भी तैयार हो रहे हैं और इनके द्वारा बताया गया कि पूरी रात यहाँ पर नाटकों का मंचन, जो जब मोबाइल आदि, मोबाइल टीवी आदि नहीं हुआ करते थे, उस दौरान जो मनोरंजन के साधन हुआ करते थे वो नाटक हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर पकवान, तरह तरह के पकवान, जलेबी, इमरती, लड्डू, बालूशाही, नमकीन, भजिए, रसगुल्ले सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और ये गोद में अपने सर के ऊपर बच्ची को बिठाकर कितने आनंद और प्रफुल्लित हो रहे हैं। देखिए हाथ में इनके गुब्बारा है। शहर से आए लोग यहाँ कितने आनंद की अनुभूति यहाँ कर रहे हैं इस मड़ई में। वास्तव में ये सुख के पल या आनंद के पल निश्चित तौर पर शहरों में, शहर की आपाधापी, शहर के व्यस्त जीवनचर्या से बहुत दूर और बहुत आनंद की अनुभूति यहाँ आप कर सकते हैं। हम आपको बता रहे थे कि अगर आपको नलियर जाना है तो कुरई, सिवनी से नागपुर रोड पर कुरई कस्बा है, कुरई कस्बे से आप सकाटा की तरफ बाईं तरफ, अगर सिवनी से जाते हैं तो बाईं तरफ शहर के बीचों बीच बस स्टैंड से बाईं तरफ आप अगर मुड़ते हैं तो लगभग 10 किलोमीटर दूर, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसको ये बता रहे हैं कि इस तरह से आप अपने माथे पर भी लगा सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ आप इस लाइट को लगा सकते हैं। बहुत ही अलग तरह का, ये देखिए यहाँ पर ये गले में पहनने वाला, जो आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश की महिलाएं इसे पहनती हैं, और ये आपको बालों में लगाने के लिए तरह तरह की चीज़ें यहाँ आपको दिखाई दे जाती हैं, जिसे ये देखिए करधोना वो पहन कर देख रहे हैं, जो कमर में पहना जाता है। वास्तव में अगर आप गांव में जाते हैं तो आप वास्तविक हिंदुस्तान से, असल हिंदुस्तान से आप रूबरू होते हैं। देखिए यहाँ पर तरह तरह के आभूषण आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो आभूषण महिलाओं के द्वारा ग्रामीण अंचलों में, विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पहने जाते हैं। नलियर की मड़ई, यहाँ अगर आपको पहुँचना है तो कोरई से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित, ये देखिए ये बॉल को लेकर बच्ची कितना प्रफुल्लित अपने आप को अनुभव कर रही है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी इनका कहना ये है कि अभी मड़ई आरंभ नहीं हुई है, चूँकि अभी पूजन चल रहा है, पूजन के उपरांत भंडारा होगा और भंडारे के बाद ही साड़ियाँ। देखिए ये तरह तरह की साड़ियाँ, जो साड़ियाँ ग्रामीण महिलाएं पहनती हैं, उन साड़ियों को उनके द्वारा दिखाया जा रहा है। ये आपको शहर में शायद ही ये सारी चीज़ें मिल पाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पीछे जो मंच दिख रहा है उस मंच पर पूरी रात, इसके बाद यहाँ पर पूरी रात गाना, नाच, ढंडार और नाटकों का मंचन होगा। यहाँ पर देखिए पंडित बैठे हुए हैं और वे अभी यहाँ पर पंच तत्व की पूजा कराएंगे। अब धीरे धीरे मड़ई में कुछ भीड़ बढ़ती दिख रही है, लोगों का जोश दिखाई दे रहा है, भंडारा बटना आरंभ हो चुका है, लोग भंडारे का लुत्फ उठाने लगे हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा भीड़ का नज़ारा, मड़ई का सही आनंद अब आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। वास्तव में अगर आप इस तरीके के मड़ई का, ये यहाँ फूल,
पत्तियाँ और वास्तव में जो एक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच, अब देखिए अब चूंकि मढ़ई धीरे धीरे भरना आरंभ हुई है, लाइट्स की पर्याप्त व्यवस्था भी यहाँ हो चुकी है और लोग यहाँ पर गर्म कपड़े पहने, चूंकि ठंड का मौसम है, ये 16 नवंबर शनिवार की रात का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। नलियर कुरई विकास खंड का एक छोटा सा गांव है और दरअसल नल बाबा यहाँ पर कहा जाता है, जो हमने आपको वहाँ दिखाया था, एक छोटा सा टैंक दिखाया था, उसमें 12 महीने नल एक पाइप लगा हुआ, उसके जरिए जल आता है और जैसा आपको बताया गया नल येर, येर का अर्थ गोंडी भाषा में पानी होता है, 12 महीने उसमें पानी आता है। पानी कहाँ से आता है ये शोध का विषय है, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो हर मौसम में वहाँ पर पानी लगातार एक सी धार वहाँ बनी रहती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट, नलियर का नज़ारा, नलियर की ये मढ़ई। वैसे आपने शहरों की मढ़ई देखी होगी, गाँव की मढ़ पर ये मढ़ई हम आपको दिखा रहे हैं। सुदूर आदिवासी अंचल जो कुरई भी आदिवासी विकास खंड है और कुरई से भी 10 किलोमीटर अंदर जंगल का ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं, ये कुरई के अंदर और पैंच नेशनल पार्क, जहां मोगली रहा करता था, पैंच नेशनल पार्क के बफर का ये हिस्सा है, बफर के अंदर का ये हिस्सा है और यहां जंगली जानवरों की आवाजाही लगातार ही बनी रहती है। ये देखिए यहां पर स्पीकर भी रखा हुआ है, छोटा सा चोंगा रखा हुआ है, जिसके जरिए दुकानदार अपनी क्या क्या चीज़ें उनके पास हैं वे बता रहे हैं और धीरे धीरे दुकान, और ये देखिए यहाँ पर मोटरसाइकिल भी इसके अंदर, आपको ये भी एक अलग अनुभूति अलग आनंद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वास्तव में ये एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ दिखता है, ये सुबह का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, उसी स्थान पर का सुबह का नज़ारा, बावनथाड़ी नदी और सामने जो आपको टाँका दिखाई दे रहा है वो नलियर, और सुबह ये देखिए यहाँ पर रात के भंडारे के उपरांत बर्तन साफ यहाँ पर कर रहे हैं और पत्तलों में, पलसा के पत्तों में उनके द्वारा भंडारा वितरित किया गया था। पलसा के पत्ते भी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, चूँकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, पलसा के पत्ते कहीं ना कहीं पानी में ही विलीन हो जाते हैं, कुछ समय के बाद खाद बन जाते हैं। वास्तव में ये भी एक अलग तरह की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश, देश का हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश के सिवनी जिला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित सिवनी जिला है, सिवनी जिले में कुरई जो जिला मुख्यालय से लगभग 35-36 किलोमीटर दूर कुरई है। कुरई से आप अगर पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तब नलियर कैंप पड़ता है, जहाँ टेंट वन विभाग के लगे हुए हैं और वहाँ ये मढ़ई तो अगले साल भरेगी, पर आप जाकर यहाँ नज़ारा ये देखिए किस तरह से बच्चे और यहाँ पर्यटक फोटो खिंचा रहे हैं, पैरों की फोटो ले रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, जय हिंद।